आज मैं आपको हेवी ब्रेकफास्ट बताने जा रही हूँ जो कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम से भरपूर रहेगा, फ्री कोलेस्ट्रॉल। इसमें मैं ली हूँ ये चने, हरा मूंग और 8-10 चिनिया बादाम, पीनट्स। इसको मैं ओवरनाइट भिगो ली थी। भिगोने के बाद में ये मैं सुबह ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो मैं ये पहले एक बॉल में डाल ले रही हूँ। ये पहला हो गया। दूसरा मैं ली हूँ फल। फल में आप ले सकते हैं, घर में आपका जो फल रहेगा, ये जरूरी नहीं कि मैं जो ली वो आप ले लीजिए। आपके घर में जो भी फल प्रेजेंट रहेगा आप वो फल ले सकते हैं। मैं ली हूँ मौसमी, हाफ आप सब ली हूँ क्योंकि मैं एक पर्सन के लिए बना रही हूँ। मौसमी ली हूँ, नाशपाती ली हूँ, एप्पल ली हूँ और एक प्लम ली हूँ। ये प्लम को मैं काट ली हूँ, ये देखिए मेरा, मैं इसको सब ग्रेट कर ली हूँ, एकदम छोटे छोटे ग्रेट कर ली हूँ। ये सारा फल आ गया है, ये नाशपाती, प्लम, एप्पल एंड ये ऑरेंज। ऑरेंज मैंने इसको मौसम भी, यहाँ तभी तो ठंडी नहीं है तो ऑरेंज नहीं मिलता, मौसम भी है तो ये मौसम भी एक हाफ ली हूँ। और वो मशरूम भी काटते समय मैं थोड़ा सा रस निकाली थी, ये मेरा 2 चम्मच के करीब रस है इसका, मौसम भी का रस है। अब मैं बॉल में इसको डाल दी। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी रहता है, कोई ऑयल नहीं, कुछ नहीं, आप एकदम ब्रेकफास्ट फ्रीली इसको कर सकते हैं। जो डाइट करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा, मैंने रेसिपी बोल सकते हैं इसको। ये है, ये मिनटों में तैयार हो जाएगा, जो फल रहेगा बस काट लीजिए और इसको ओवरनाइट भिगो लीजिए। ये देखिए मैं इसमें सारा फल एक एक करके मिला दे रही हूँ क्योंकि एक पर्सन के लिए हाफ हाफ फल बहुत है। एक मत दीजिएगा, एक अगर 2-3 आदमी हैं तो एक पूरा गोटा गोटा फल दीजिएगा, और एक पर्सन है तो उसके लिए हाफ हाफ फल काट दीजिएगा। ये देखिए मैं इसको सब मिला ली, लेने के बाद में इसको मिक्स कर ले रही हूँ। इसमें सारा चीज मिक्स करके ये देखिए मेरा मिक्स हो गया। और इसमें मैं दूंगी, जो मिठास खाते हैं उनके लिए आप मधु दे दीजिएगा क्योंकि मधु बहुत ही शरीर के लिए जरूरी चीज़ है। मैं 1 चम्मच मधु ली हूँ, इसमें 1 चम्मच मैं मधु दे दी हूँ। स्वाद के लिए थोड़ा सा मैं चाट मसाला दे रही हूँ, 1 चम्मच के करीब मैं चाट मसाला दे रही हूँ। देखिए ये चाट मसाला दे रही हूँ। देने के बाद में मैं ये काला नमक दे रही हूँ, काला नमक इसमें दीजिएगा, सादा नमक नहीं दीजिएगा क्योंकि कच्चा सादा नमक खाना अच्छा नहीं है। तो मैं इसके लिए ये पिंक सॉल्ट, जिसको ब्लैक सॉल्ट बोलते हैं, ये काला नमक मैं दे रही हूँ, स्वाद अनुसार दीजिएगा। देने के बाद में मैं फिर इससे इसको मिक्स कर ले रही हूँ। मिक्स हो गया। अब इसमें 1 चम्मच में, 1 चम्मच, आधा चम्मच आप अपने हिसाब से दीजिएगा, मैं 1/2 चम्मच ऑलिव ऑयल दे रही हूँ। ये ऑलिव ऑयल हेयर के लिए कच्चा है, ऑलिव ऑयल खाना बहुत फायदेमंद रहता है फॉर ग्रे हेयर के लिए। बच्चे लोगों को तो थोड़ा सा ये ऑयल खाना चाहिए, चाहे आप दूध में दीजिए, चाहे इस प्रकार सैलाड में करके दीजिए, तो ये ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा रहता है सबके लिए, फॉर ग्रे हेयर ग्रोथ ना हो, कैल्शियम मिले, विटामिन रहे इसमें। देखिए मैं ये ऑलिव ऑयल को भी मिक्स कर ली हूँ। लेने के बाद में ये जो मैं जूस निकाल के रखी थी, ये जूस भी मैं मिला लूँगी इसमें। देखिए सारा मेरा मिक्स हो गया है। अब ये पूरा ब्रेकफास्ट, एक टिफिन बॉक्स बोल सकते हैं, ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं, या आप टिफिन में भी ले जा सकते हैं, कहीं आप जा रहे हैं इसको बना के ले जाइए, आराम से रास्ते में खाइए, या रास्ते में सफ़र के लिए भी, कहीं डिस्टेंस में जा रहे हैं 1 घंटे के लिए कहीं काम में, आप ये बॉक्स टिफिन बॉक्स में ले लीजिए, आप गाड़ी में बैठ बैठ के आराम से खाइए। और घर में जो रहते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही हाई प्रोटीन ही है, और महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा ये
फायदेमंद है, और ये प्रेग्नेंट महिला भी ले सकती हैं, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद रहता है। ये देखिए हमारा ये सैलड तैयार हो गया। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में रखे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।